सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गेहूं के आटे का बहुत ही टेस्टी नाश्ता, और है बहुत ही कम समय में बनकर रेडी हो जाता है और खाने में भी बहुत ही बढ़िया लगता है। आप इस रेसिपी को मेरे कहने पर एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है। इसमें हम डालेंगे 1 कप के करीब गेहूं का आटा। गेहूं का आटा ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 4 चम्मच के करीब चावल का आटा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 चम्मच के करीब दही। तो ये मैंने घर पर बनाने वाला दही लिया है, आप चाहे तो मार्केट वाला भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम चम्मच की हेल्प से इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिला लेंगे। तो आप देख सकते हैं ऐसे ही हमें कंटिन्यू से मिलाते रहना है। सो गाइस, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो इस तरह से मैंने इन सारी चीज़ों को एकदम अच्छे तरीके से मिला लिया है। इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज़ का टमाटर बारीक कटा हुआ। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब हम इन सारी चीज़ों को चम्मच की हेल्प से एकदम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इन सारी चीज़ों को एकदम अच्छी तरीके से मिला लिया है। इस स्टेज पर हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। हमें इसमें एकदम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर इसका बैटर बनाना है। तो आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर मैंने इस तरह से इसका बैटर बनाकर रेडी कर लिया है। बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी का हमें बैटर बनाकर रेडी करना है। इस स्टेज पर हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, 1 चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच के करीब गरम मसाला। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच के करीब सफ़ेद तिल। इसमें हमारे नाश्ते में अच्छे से क्रंच आएगा। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच के करीब नमक। नमक आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग क्वांटिटी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी को हम इस तरह से हाथों से क्रश कर इसमें ऐड करेंगे। इससे फ्लेवर्स बहुत ही बढ़िया आता है। अब हम इन सारी चीज़ों को एकदम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। हमें इसे कंटिन्यू एक ही डायरेक्शन में इस तरह से मिलाते जाना है। तो आप देख सकते हैं एकदम अच्छी तरीके से मैंने इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। तो आप बैटर की कंसिस्टेंसी एक और बार देखिए, बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी का हमें बैटर बनाना है, न ज़्यादा गाढ़ा न ज़्यादा पतला। सो गाइस, गैस पर मैंने एक पैन में तेल गरम होने को रख दिया था और हमारा ऑयल भी एकदम अच्छे से गरम हो चुका है। अब हम ये जो बैटर बना कर रखा था, इस तरह से हम चम्मच की हेल्प से 1-1 चम्मच इसमें फिर बैटर डालेंगे और इस तरह से हम इसे एकदम अच्छे से फैला लेंगे। तो आप देख सकते हैं एक पैन में मेरे लगभग 4 नाश्ते बन रहे हैं, तो मैं इसमें एकदम अच्छे से इन्हें सेट करूँगी। तो बिल्कुल इसी तरह से हमें इसे सेट करना है। अब हम गैस की फ्लेम हम मीडियम पर रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसे एकदम अच्छे से फ्राई करेंगे। इसे फ्राई करते हुए लगभग 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है। अब हम इसकी दूसरी साइड भी 2 मिनट के लिए इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। सो गाइस, आप देख सकते हैं उलटते पलटते मैंने इसे दोनों साइड से एकदम अच्छे से फ्राई कर लिया है और इसे कलर भी कितना बेहतरीन आया है आप देख सकते हैं। इस स्टेज पर हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इन सारे नाश्ते को एक प्लेट में निकाल लिया है। तो आप देख सकते हैं हमारा सुपर टेस्टी गेहूं के आटे से बनने वाला ये नाश्ता रेडी हो चुका है और ये कितना ज़्यादा टेम्प्टिंग लग रहा है और एकदम क्रिस्पी बनकर रेडी हो जाता है। सो गाइस, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो के नीचे लाइक बटन पर क्लिक करें और साथ ही रेसिपी क्रिएशन हिंदी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।